अस्सलामुअलैकुम जी। आज है चौथा रोज़ा जुमे का दिन है और आज माशाल्लाह से हम लोग गाँव में गाँव कहते हैं। इंसान जिस जगह पे रहता है उसे उन चीज़ों उन जगह से मोहब्बत हो जाती है। गाँव में ये छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा हमने खरीदा है, तो हमने सोचा जब हम सारे बहन भाई इकट्ठे होंगे तो हम यहाँ पर छोटी सी गेट टुगेदर करेंगे, इसलिए हम आज यहाँ पर कुछ उसके प्रिपरेशन के लिए आए हुए हैं। ये है जी जगह, यहाँ पर अली साहब अपने पतंग उड़ा रहे हैं, साथ में रोज़े का टाइम पास कर रहे हैं और यहाँ पर चाचू लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ज़मीन वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर पौधे फ्रूटिंग प्लांट घास वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, ये जो सारा काम कर रहे हैं। ये एक यहाँ पर पिंजरा सा बना हुआ, मैं इनको कह रही थी एग्जैक्ट हम लोगों के लिए बांदर सारे यहाँ पे बंद कर देंगे। ओके हो गया, यहाँ हम घर से बाहर थोड़ा सा निकले हैं इससे, तो यहाँ बड़े खूबसूरत गांव की ब्यूटी ही नज़र आई हमें। यहाँ पे मुंगरे लगे हुए, हम बात कर रहे थे शहर में लोग ना इसको परचेज करके पकाते हैं और गाँव में यहाँ वगोनी लगे हुए पके हुए हैं, तो रोज़ा था तो खा भी नहीं सकते थे तोड़ के, लेकिन ये बड़े मज़े के लग रहे थे, फ्रेश ऑर्गेनिक। और ये बालन शालन पड़ा हुआ है गाँव के लोग जिसको तोड़ छोड़ के रोटियाँ छोटियाँ खाना वाना बनाते हैं। आगे आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत गाँव की ब्यूटी जो इंक्रीज़ करती है वो है ऑरेंज का गार्डन, और इसको मैं सही तरह से कैप्चर ही नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लगा था पैदल घर जा रहे थे। ये जगह जो हमने खरीदी है ये घर से थोड़े से डिस्टेंस पर है। रोज़ा तो जो तंग कर रहा था, एक जो अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक है ना इसने तंग किया हुआ था, चीपे, ऊपर से इसको उठा के चलना इंतहाई मुश्किल है। और यहाँ से फिर हम जैसे डिस्टेंस तय करते आगे जा रहे थे तो रास्ते में नज़र आई बातियाँ दीवार पे बड़े सिक्वेंस से लगी हुई थी। आगे थोड़ा सा गए हैं तो भी आगे बैठा हुआ है कुत्ता भाई साहब, लगता है जो बदवाई दी थी ना दुनिया में किसी ने कि तेनों वैन कुत्ते को सारी याद आ रही थी कि हूँ कुत्ते ने पढ़ लेना, लेकिन बच बजा के जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए घर। अभी जैसे ही भाई हम लोग घर पहुँचे हैं तो हमारे पीछे सारी छोटी मोटी दुनिया जो है वो भी हमारे पीछे घर पहुँच गई हुई है। हम इनका वेलकम करते हैं जी, स्वागत है इनका घर में। ये लोग आ गए हैं सारे घर में और ये हमने रखे हुए पैरट्स बड़े प्यारे चीपे करते रहते हैं घर में, रौनक रौनक बनी रहती है हमारे, बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिंग का सीज़न है तो हमने यहाँ पे थोड़े से प्लांट्स का एडिशन किया है। ये देखिए इतने खूबसूरत पौधे लग रखे हुए हैं और यहाँ पे अनार भी था उसको भी काटा हुआ था, लेकिन अब स्प्रिंग है तो सारी उसकी कंपले फूल गई हुई हैं। और इन पौधों के अलावा यहाँ पे सबसे प्यारा ये खूबसूरत एक ही तनहा गुलाब का फूल लगा हुआ है, वो बड़ा प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा इतना प्यारा रेड फ्रेश कलर है माशाल्लाह से इसका। उसके अलावा ये मेरी लुक है जी, जैसे थे हम लोग वैसे उठ के आ गए हैं, बस अचानक प्लान बना आ गए हैं। और इसके अलावा हमने कहा देखते हैं किचन में क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ मटर पुलाव मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बिरयानी से ज़्यादा मटर पुलाव पसंद है। यह है करेले गोश्त, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा एक चीज़ जिसके बगैर अफ्तारी जो है वो नामुकम्मल है वो है जी कटलेट्स, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। उसके अलावा ये है जी पेड़े, बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन तीन पेड़े क्योंकि इधर उधर की चीज़ें खा के रोज़ा खुल जाता है। और ये मेरी बहुत फेवरेट ट्राइफल, ये भी भाभी ने बनाई हुई थी, दही पकौड़ियाँ ग्रीन सब्ज़ मिर्च और धनिया वाली बहुत मज़े की। और ये आलियान इसको मैं तंग करी थी रोज़ा खोलिया कहता नहीं मेरा जिगरी रोज़ा था, कैसे ब्लश कर रहा है बाहर धूप में खेल के ये माशाल्लाह से। और ये है फ्राइज, इसके बगैर भी रोज़ा बिल्कुल नामुकम्मल है। ये है रोटी छोटी दो तीन जो बननी थी ये रोटियाँ बना ली हैं हमने। उसके अलावा पकौड़े इनके बगैर तो नामुमकिन है ना अफ्तारी। उसके अलावा मैं ड्राइंग रूम में गई तो मुझे चारपाई पे ये घास फूसा नज़र आया, मैंने कहा शायद ये तोतों की खुराक है, फिर मुझे भाई ने बताया कि ये तो मेथी है भाई, जो इसको जब कुछ भी ना हो तो इसको तोड़ मरोड़ के सालन पकौड़े सब चीज़ों में आप डाल के इसका टेस्ट डेवलप कर सकते हो। मुझे लगा मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, भाभी कहती नहीं वन चीज़ एक चीज़ वन थिंग मोर और वो है ये तवे पर डाला देसी घी और इसका लगाएंगे हम तड़का किस में लगाएंगे चटनी में, जो कि हरी मिर्ची धनिया पुदीना डाल के बनाई हुई है। चलो जी तेल को अच्छी तरह से तड़फा के हमने इसके अंदर डाला तो इतनी सुर की आवाज़ आई है और ये बहुत ही मज़े की ऑर्गेनिक चटनी है। इसको हमने रमज़ान अफ्तार के साथ इस्तेमाल किया है। ये छोटा सा मिनी व्लॉग क्योंकि अब लोग नहीं है तो हम लोग मुझे लगता है कि 6 महीने में दूसरी दफ़ा घर आए हैं क्योंकि अब लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। अलियान बेचारा यहाँ पे सिटिंग प्लान कर रहा था कि कहाँ बैठना है, हालांकि हम थे 2-4 लोग ही बाकी बच्चे माशाल्लाह से। और अब लोग आएंगे नेक्स्ट फिर आएंगे। ये जुमे का दिन था, छोटा सा व्लॉग है, आपसे इंजॉय, अब हम घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।